हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी है ये है जीएमआरसी में। जीएमआरसी का मतलब गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। ये वैकेंसी आज ही आई है, आज ही पोस्ट आउट हुई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऑलवेज आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी आए, सबसे पहले आए। जो इस चैनल पे नया है, अभी तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेट के साथ साथ आपको एक अच्छी, इतना मैं जो ज़रूर बोल रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ कि हर एक बंदे का हर एक वीडियो से जॉब नहीं लग सकती, बट मैं श्योरिटी के साथ ज़रूर बोल रहा हूँ कि अगर आपने हर जगह अप्लाई किया जहाँ मैं लाता हूँ, मैं मानता हूँ जहाँ एलिजिबल नहीं है वहाँ तो अप्लाई करने का मतलब ही नहीं है, बट जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, वहाँ ज़रूर अप्लाई किया कीजिए। इवन प्राइवेट कंपनी की जितनी नोटिफिकेशन लाता हूँ मैं, वहाँ ज़रूर किया कीजिए। प्लस आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है या आपसे एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करता है, याद रखिए बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है, भाई आप मेरी जॉब लगवा दो, एक महीने की सैलरी आ जाएगी, वो आप रख लेना, उसके बाद अब मैं कंटिन्यू कर लूँगा। वो खुद ही आपके पास कॉल नहीं करेगा। दूसरी बात ये है, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, जो जो एलिजिबल हो वो इसमें अप्लाई कर दे। सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्रेशर वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं, और ज़्यादातर ये वैकेंसी जो है सिविल कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए है। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, जिसने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर से फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे आपको कवर लेटर के साथ साथ आपको रिज्यूम फॉर्मेट वो सब मिलेंगे। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है, मैं आपको ले आया हूं गुजरात जीएमआरसी के जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। आप देखेंगे यहां मेंशन हो रहा होगा जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो यहां ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी बात करेंगे हम। ये जो आया है ये 25th को आया है। अब ये जो आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट डे 25th ही है। इसमें किस किस ब्रांच के लिए निकली है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, जूनियर इंजीनियर के लिए भी निकली है, मेंटेनर के लिए भी निकली है, और जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए निकली है, एडिशनल जनरल मैनेजर। और इनको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा। इसकी जो ओपन डेट है वो आज ही स्टार्ट हुई है, मतलब 25 को ही, और ये जो एंड है ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, कुल 6 दिन के लिए, मतलब ओनली 6 डेज, मतलब ये जो है 31st 5 को एंड हो जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें अप्लाई ज़रूर कर दें। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनल ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की सीट मेंशन हो जाएगी, ये जीएमआरसी का। और आप देखेंगे डेट भी देखेंगे तो 25th मे को ही हुई है रिलीज ये। और ये क्या है, जीएमआरसी है लिमिटेड 50-50 स्पेशल पर्पस व्हीकल जॉइंट ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अहमदाबाद मेट्रो के अंदर जो फेज 1 है उसके लिए ये किया जा रहा है, एंड सूरत के अंदर जो फेज 1 है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, उसके लिए भी किया जा रहा है। अब आई बात जनरल मैनेजर की, जीएम की, तो इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस जो मांगा है वो 15 इयर्स का होना चाहिए सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग में, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल पे रहने वाली है वैकेंसी। दूसरी बात ये है, दूसरी एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए, तीसरी जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए, चौथी डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, 5th भी डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए है, और इनके लिए इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद अब आई मास्टर्स, तो मैं इनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस वाले तो अपना क्राइटेरिया ढूंढ ही लेंगे। नेक्स्ट आई जॉइंट जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक, जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए भी इन्होंने 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैनेजर के लिए भी 15 साल का मांगा है। बट अगर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने क्या मांगा है, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर के लिए मांगा है इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑन विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस सिविल स्ट्रक्चर लाइक मेट्रो स्टेशन डिपो एंड बैलास्ट ट्रैक्स। और इसमें मैक्सिमम जो एज मांगी है वो 28 ईयर्स मांगी है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर के लिए भी इन्होंने डिप्लोमा ही बोला है, डिप्लोमा के बाद इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है और 28 ईयर्स हैं और 3 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ये मेंटेनर के लिए जो मांगा है इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, और 2 ईयर्स वाला तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बंदे होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें जो सैलरी रहने वाली है, जी हाँ, 60,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर के लिए 1,00,000 रुपये है और मेंटेनर के लिए 60,000 है, इसीलिए मैंने, और ये जो है आपकी CTC रहेगी 1,00,000 रुपये। तो जो ये कट पिटा के आपके हाथ में आएंगे वो आएंगे मतलब अराउंड 70,000-80,000 रुपीज़।
अब इन्होंने कुछ सीरियल्स दिए हैं, देखिए इन्होंने सीरियल्स क्या दिए हैं, सीरियल 1-6 एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वर्किंग इन इंडियन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कुछ इन्होंने परफॉर्मा दिया है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड अबव विद वेरियस बेस्ड ऑफ फर्दर असाइनमेंट रिक्रूटमेंट अपार्ट फ्रॉम द पे अदर बेनिफिट विल बी पेड बाई कंपनी पॉलिसी, आपको एक्स्ट्रा मतलब अलाउंसेज मिलेंगे, सैलरी प्लस अलाउंसेज मिलेंगे। यही मीन्स में मेन द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जो होगा, जो इनिशियल मिनिमम 3-5 ईयर्स और ऑन एक्सपेंडेबल बेसिस, देखिए स्टार्टिंग में आपको 3-5 ईयर्स के लिए लिया जाएगा उसके बाद। और मैंने भी बहुत देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, एक बार आप किसी भी कंपनी में घुस गए, अपनी जगह बना ली, तो आपको निकालता कोई नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही रिन्यू होता चला जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय अदर साइड बाय गिवन 30 डेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट और 90 डेज मैनेजर और पेइंग विद अ कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड इफ यू आर सर्कमस्टांसिस सो वारंट। ये तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। आपसे जो मांगा जाएगा वो क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपसे जो ऑनलाइन ओनली और ऑनलाइन ही किया जाएगा। और 31 मई एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट इंटरव्यू है, ओनली इंटरव्यू है। और इसमें जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें भी इंटरव्यू है, प्लस इसमें नो फीस, मतलब कोई भी फीस नहीं है, नो फीस नो एग्जाम ओनली इंटरव्यू, यही आपने थंबनेल पे देखा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। ये किस किस का जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर ऑफ फॉर्मली मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर अहमदाबाद मेगा कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये आया है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉइंटमेंट बहुत ही अच्छी है और अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। रिक्रूटमेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको इसकी सच में जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।